सोमवार को एमजी रोड पर जाम के हालात बने रहे। दोपहर को स्कूल कॉलेजों की छुट्टी के बाद रखी वाहनों की लंबी लाइन से पुलिस के हाथ पैर फूल गए। राजामंडी में सोमवार बाजार में सामान खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। शहर की लाइफलाइन महात्मा गांधी मार्ग पर दिनभर जाम के हालात बने रहे। दोपहर को स्कूल कॉलेज की छुट्टी होने पर हालात और बिगड़ गए। एमजी रोड पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन लग गई। चार पहिया तो दूर, दो पहिया वाहन भी काफी देर तक जाम में फंसे रहे। राजामंडी बाजार बंदी के दिन लगने वाले सोमवार बाजार में सामान खरीदने वालों की भीड़ उमड़ रही है। तो स्वेटर खरीद रहे हैं, कुछ नहीं खरीद रहे, मंदिर के लिए आए थे, शॉपिंग चल रही थी, बहुत भीड़ हो रही थी। मैं देख के आए क्या हो रहा है यहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही है। ऑटो भी नहीं मिल रहा है जाने के लिए, घंटे तक नहीं जा रहे ऑटो। पता नहीं क्यों साल जाम लगा है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे बहुत हो रही है। अब क्या करें, बस भी नहीं रुक रही ना, ऑटो रुक रहा है। राजामंडी में सोमवार बाजार में दुकानों के सामने फुटपाथ पर सामान की दुकान लगाई जाती है। प्रत्येक सोमवार को लगने वाले बाजार में सामान खरीदने के लिए महिलाओं की अधिक भीड़ पहुंचती है। इस बाजार में भीड़ होने के कारण वाहन निकलना तो दूर, पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है। सोमवार को ऐसा ही नजारा राजामंडी में देखा गया। हरी पर्वत तीन चौराहों पे आधा घंटा लग गया। अच्छा अच्छा, हाँ जाम खुलता ही नहीं है। अब यही स्कूलों की छुट्टी का टाइम है और इधर सोमवार बाजार लगा देते हैं। सड़क क्रॉस करना मुश्किल है, वहाँ से सवारी छोड़ के मैं पैदल आ रही हूँ। बहुत दिक्कत होती है सोमवार बाजार से। अच्छा। भीड़ तो उसी में आती है, सारी मोहम्मदन लेडीज निकलना मुश्किल है, बाजार में तो जा ही नहीं रहे। कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं है। एमजी रोड पूरा भरा पड़ा है। राजामंडी बाजार में सामान खरीदने पहुंची महिलाओं का कहना था कि बाजार के साथ एमजी रोड पर जाम लगा हुआ है। स्कूल कॉलेज की छुट्टी और बाजार की भीड़ के कारण वाहन भी नहीं मिल रहे। इलेक्ट्रिक बसों में सफर करने के लिए मारामारी मच रही है। राजामंडी, सेंट जॉन्स, हरी पर्वत, दिवानी और भगवान टॉकीज चौराहे पर जाम के हालात बने रहे। वाहनों की लंबी लंबी लगी लाइनों में वाहन फंसे रहे। सी न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।